फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर वेल। आज मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, आज बहुत ही एक स्पेशल डे है। आज है हमारी 12th एनिवर्सरी, जिसकी वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, मैरिज का ये जो एक दिन होता है हमारे लिए कितना स्पेशल बन जाता है, कितनी चेंजेस लेकर आता है ना हमारी लाइफ में। देखिए, मैरिज से पहले हम अनमैरिड जब होते हैं, पेरेंट्स के घर पर होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, तब भी हमारे रिश्ते तो तब भी बहुत होते हैं। बहन का रिश्ता, ननद का रिश्ता बनता है, भूई का रिश्ता बनता है, अच्छा इतने रिश्ते होते हैं, लेकिन उस टाइम इतनी कोई टेंशन नहीं होती है ना। जब हम एक मैरिज होती है, एक दिन होता है, तो हमारी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। देखिए, पहले हम वाइफ बनते हैं, भाभी, साथ में भाभी बन जाते हैं, किसी की भाभी बन गए, किसी की चाची बन गए, सारे रिश्ते चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हमारे हमको बहुत ही प्यारा रिश्ता मिलता है मदर का, वो तो बहुत प्यारा होता है। कितने रिश्ते बन जाते हैं, कितनी लाइफ चेंज हो जाती है। इसीलिए इस डे को मेरा मानना है कि हमें इस डे को स्पेशल डे ही कहना चाहिए, क्योंकि देखिए कितने रिश्ते लेकर आता है ना एक डे। मैरिज का एक दिन हमारे लिए कितने रिश्ते लेकर आता है और कितने रिश्ते बन जाते हैं, हमारी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। तो उसी डे को आज हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पर जाने वाले हैं, जिसकी वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, देखिए, रात को ना सहज ने हमें सरप्राइज दिया। फ्रेंड्स, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू पापा मम्मी। देखिए फ्रेंड्स, सहज हमें एनिवर्सरी के लिए ना, और मैंने कार्ड भी बनाया। देखिए फ्रेंड्स, हमारे लिए क्या क्या लेकर आया, स्वीट डिश, और देखिए सहज ने खुद लेकर आया है आज, हमें कुछ नहीं पता था इसके। और सहज ने एक कार्ड में, ओ माय गॉड, वाओ, हैप्पी एनिवर्सरी नदीप एंड सुखराज। हाँ, थैंक यू माय डियर सोन। शहज ने मुझे, देखिए मुझे और रणदीप को ना सरप्राइज दिया है। कितना सुंदर फ्रेंड्स, देखिए कार्ड बनाया है, देखिए कितना सुंदर कार्ड बनाया है। बेटा बड़ा हो रहा है, तो उसे भी थोड़ा सा है ना, थोड़ा क्या, मैं मम्मा पापा को थोड़ा सरप्राइज दूँ। देखिए, बच्चे जब थोड़ा सा ऐसे कुछ भी कर ले ना, कोई सरप्राइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत हमें कीमती गिफ्ट मिले तो फिर ही हम सेलिब्रेशन करें। छोटे छोटे कुछ सेलिब्रेट कर दे, खुशी से कुछ करे ना, तो बहुत अच्छा लगता है, तो स्पेशल डे बन जाता है। वैसे तो हमारे लिए सब स्पेशल डे होते हैं, हम लोग सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं फ्रेंड्स। अब तो वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन हम शुरू से ही बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई भी डे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, 12 ईयर हो गए हैं मैरिज हुए को, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, पता ही नहीं चला 12th ईयर कहाँ निकल गए। तो जब साथ अच्छा हो, फैमिली अच्छी हो, तो सब कुछ ही बहुत अच्छा लगता है। केवल इयररिंग डाले हैं, और आज मैंने वेस्टर्न डाला है, जीन डाली है, और इसके साथ मैंने ब्लैक बेली डाली है फ्रेंड्स। तो अब जा रहे हैं डिनर करने के लिए, तो आ जाइए आप हमारे साथ, ऐसे बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, तो अब जाने वाले हैं, यहाँ पर जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन, जहाँ पे तो हम डिनर करने वाले हैं आज। बारबेक्यू नेशन का 8:30। देखिए आज ना सहज ने बुक करवाया था टेबल, तो आज हम लोग आए हैं। हम लोग ना ऊपर जा रहे हैं फ्रेंड, सेकंड फ्लोर के ऊपर है ये वाला रेस्टोरेंट, तो काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। हमेशा ना जब भी कोई ज़्यादा बढ़िया ओकेशन होता है तो हम लोग यहाँ ही आते हैं, लेकिन अब तो काफ़ी देर के बाद आए हैं, कोरोना के कारण ज़्यादा रेस्टोरेंट में जाने का होता नहीं है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, देखिए सहज ने, देखिए बुक करवाया, सबसे आगे आगे जा रहा है, ऑनलाइन इसने बुकिंग करवाई है, लेकिन पेमेंट तो हम लोग ही देंगे। कि देखिए काफ़ी बढ़िया है, अलग अलग टेबल सब सेट हुए हुए हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर खाना लगा हुआ फ्रेंड्स। स्नैक्स अलग से मिलते हैं, सूप सब कुछ अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, आपके साथ सब कुछ शेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बैठ के हैं, टेबल हमको मिल गया था, तो यहाँ पर तो क्या, मैंने रिकॉर्डिंग तो की थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, क्योंकि बैकग्राउंड ना इन्होंने म्यूज़िक चला रखा था काफ़ी ज़्यादा लाउड में, तो क्योंकि कोई यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बर्थडे और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होती है,
होती है। तो ये लोग ना जब खाना खाने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री एक केक भी देते हैं, जिसके कारण फिर म्यूज़िक चलता है, जिससे बर्थडे के अकॉर्डिंग बर्थडे सॉन्ग लगाते हैं और एनिवर्सरी के अकॉर्डिंग एनिवर्सरी सॉन्ग चलता है। जब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसके बीच में तंदूर जैसा लगा हुआ है, तंदूर सब होएगा, ऑयली कुछ नहीं होता है यहाँ पर, सब ना बहुत अच्छा होता है खाना। देखिए सब तंदूरी लगा हुआ है यहाँ पर, मैंने अपने लिए सब वेजिटेरियन ऑर्डर किया है तो, और ये लोग नॉनवेज खा रहे हैं। मैंने आपके साथ पहले भी ये बात की शेयर की हुई है कि ये सब नॉनवेज खा लेती मेरी फैमिली, लेकिन मैं नहीं खाती, कि मुझे कोन बहुत टेस्टी लगे, बहुत ही टेस्टी थे इनके कोन ना। तो एक ना इनका वो था बहुत ही टेस्टी था फ्रेंड्स, जैसे पाइन एप्पल को रोस्ट किया हुआ था, बहुत टेस्टी था। तो हम लोग ने ये वाली कोल्ड ड्रिंक की थी कोक में ना, इसमें मसाला कोक, बहुत ही टेस्टी थी, मिंट फ्लेवर था इसके बीच में, बहुत टेस्टी थे, बहुत ही टेस्टी खाना था, काफ़ी इंजॉय किया। हम तीनों ही आए हैं आज, तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, रिकॉर्डिंग वहाँ पर नहीं हो रही थी क्योंकि डिस्टर्बेंस काफ़ी थी। तो बहुत टेस्टी थी ये वाली कोल्ड ड्रिंक, तो बहुत मज़ा आया। तो ऐसे ही इंजॉय कर लें थोड़ा सा है ना, हम स्पेशल डे अपना कोई ना कोई, हर डे को मुझे लगता है हमें स्पेशल बनकर ही चलना चाहिए, लेकिन जब कोई ओकेशन आ जाता है, कोई हमारा बर्थडे या कुछ भी आ जाता है, हमें ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए। स्नैक्स खाने के बाद उन्होंने हमने कॉम्प्लीमेंट्री ना, देखिए एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी का केक भी दिया, हम केक कट कर रहे हैं, बहुत बेस्ट ही है, पर हमें स्नैक्स भी मिलते हैं, खाना भी सब कुछ, स्वीट डिश सब कुछ है, तो और क्या है, हमें केक भी साथ में ना कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो देखिए हम लोग केक कट कर रहे हैं और अब एक दूसरे को खिला लेते हैं। तो फिर दिखाती हूँ यहाँ के मैं आपको आइसक्रीम कॉर्नर, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम है फ्रेंड्स यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स मस्ती टाइम चालू है, सहज हमारे फेस पर ना केक लगा रहा है, खूब मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर, मज़ा आ रहा है बहुत। तो अब केक कट हो चुका है फ्रेंड्स, तो अब थोड़ा केक खा लेते हैं बैठकर, और इसके बाद खाएंगे आइसक्रीम। स्नैक्स से बिल्कुल पेट भर गया था, स्नैक्स बहुत ही टेस्टी स्नैक्स होते हैं इनके साथ में, स्नैक्स साथ में खाना और आइसक्रीम, कॉम्प्लीमेंट्री केक भी दे देते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ पर ना, इंजॉयमेंट सी हो जाती है ऐसे। तो यहाँ पर इंजॉय करें, देखिए रणदीप के फेस पर भी सहज ने ना लगा दिया है केक। तो अब हम लोग खाते हैं चलकर आइसक्रीम, देखिए आइसक्रीम कॉर्नर चलती है, वहाँ पर आइसक्रीम कॉर्नर अलग से बना हुआ है, तो थोड़ा सेपरेट उन्होंने अलग से बनाया हुआ, देखिए कितने फ्लेवर की आइसक्रीम है ये वाली ना, मुझे ये वाली कुल्फ़ी वाली आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। देखिए पान फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी, मैंगो फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर की है काफ़ी ज़्यादा। सहज दूसरी साइड जाकर देख रहा था कौन सी लेनी है, तो उतनी देर में वो भैया आ गए जो यहाँ पर सर्व करते हैं, तो सर्व कर कर देंगे, मैं बहुत ही टेस्टी बना कर देते हैं बहुत ही अच्छे से। तो अच्छा लगता है ऐसे हम फैमिली के साथ जाकर ना सेलिब्रेट करें। मैंने देखिए पान फ्लेवर लिए, बहुत टेस्टी है ये वाला, मुझे पान फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, ये खाने से ऐसे महसूस होता है जैसे रियल में हम लोग पान खा रहे हैं। कि यहाँ पर मैंने आइसक्रीम के ऊपर ना लच्छे होते हैं ना वो भी डला रही हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं लच्छे, मैं भैया को बोल रही हूँ आप लच्छे डाल दो आइसक्रीम के ऊपर, बहुत अच्छी सी बन जाएगी आइसक्रीम। तो देखिए मैं इसके ऊपर भैया ने डाल दिए हैं लच्छे, तो बहुत ही टेस्टी ये वाली बनती है, बार बार दिल करता है कि यही खाई जाओ ना, तो इसको यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए आप लोग भी खा लीजिए कितनी टेस्टी है ना, इनका रख कर खाते हैं और फिर अब चलते हैं। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर देना, यहाँ पर ही वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स ओके, टिल देन एंड बाय बाय।